बचपन में हम सब ने मेला तो जरूर घूमा होगा, लेकिन आजकल ये मॉल कल्चर आने से मेला और इस जैसे बाजार अपनी इम्पोर्टेंस खोते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको लेके जा रही हूँ ऐसे ही यादों की गलियों में, ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा सा मेला घुमाने। तो चलिए आप भी मेरे साथ सैर कीजिए। नमस्ते, स्वागत है आपका ग्वालियर में, जो दिल्ली से सिर्फ 320 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ आप ट्रेन, फ्लाइट और बाय रोड किसी भी तरह पहुँच सकते हैं। तो आज हम करेंगे ग्वालियर मेला की सैर। ग्वालियर व्यापार मेला हर साल दिसंबर के एंड में लगता है और ये फरवरी तक चलता है। इस वीडियो में जो साउंड है मैंने ओरिजिनल रखी है ताकि आपको लगे कि आप सच में एक मेले की सैर कर रहे हैं। तो आप इंजॉय कीजिए और यादों की गलियों में घूमते रहिए। इतने के लिए 20 का 100 ग्राम इतने में 100 ग्राम में
ये कैसे बनाते हैं भैया इसको? इसमें ये क्या चीज है? ये मैदा, इसमें मैदा है, बेसन है, रवा है। अच्छा। हाँ। इसमें फिर फैट लगाई जाती है। अच्छा, और ऐसे ये छोटा छोटा ये बनाते हैं? हाँ, ये सांचा है। अच्छा, सांचे से बनाते हो। और इसमें कैसे पकाते हो? इसमें पकता है। इसमें घुमाया जाता है जब तक पक नहीं जाता। वाली तो मैंने सारी बेच दी है। आप सेवन बल्टी यहाँ से यूज कर सकते हो। ये इसके अंदर जाएगा? हाँ, और मैम यहाँ से पेन यूज कर सकते हैं। नॉर्मल मैम ये सैनिटाइजर पेन है। अच्छा, और इसको आप फिर सैनिटाइज कर लो। इसमें रख लें। वाह, और इसके साथ ये कितने का है? 40 मैम। 40 दो दे दो मुझे। इसमें मैम कलर रेड ब्लैक कुछ भी, ब्लैक और ब्लैक दे दो, ब्लैक एंड ब्लू इफ यू हैव। इफ यू वांट अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। और अब देखिए कि रात को ये मेला कैसा दिखता है। और ये है हरिद्वार वाले का रेस्टोरेंट। अगर आप यहाँ मेले में आ रहे हैं तो यहाँ खाना खाना तो बहुत ही जरूरी है। उसमें क्या है? उसमें भी
40 साल पुराने 40 साल से कर रहे हैं 40 से ज्यादा हो गया। आई होप आपको ये ग्वालियर की मेले की सैर पसंद आई हो और अगर आपको अपने बचपन की याद इसने दिलाई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।